BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस के हसैन कोतवाली के गांव हैदरपुर में मंदिर में मूर्ति न होने को लेकर मचा हड़कंप। मंदिर में से मूर्तियां हुई गायब। ग्रामीणों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के चक्कर में हटाई गई हैं मूर्तियां। जितेंद्र रावल पुत्र गजराज सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी मदन कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मंदिर से मूर्ति हटाने वाले रघुवीर पुत्र चिरंजी लाल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। BBCN न्यूज। भैया, ये गांव हैदरपुर में ये मंदिर को लेकर क्या मैटर है, पूरा क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पे इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने की बात चल रही थी और ये क्या कहते हैं मंदिर की मूर्ति वगैरह भी हटा देने से और मंदिर टूटने की बात करते हैं। हमारी जगह मंदिर है और इसे हम टूटना चाहते हैं। तो मंदिर तो ये पुराना है कि नया मंदिर है? इन्होंने बनाया हमारे जन्म से पहले का, हमें तो पता भी नहीं मंदिर कितना पुराना है। अच्छा, तो ये तो सबने बनवाया होगा, सार्वजनिक मंदिर होगा? सार्वजनिक तो नहीं है, इन्होंने बनवाया लेकिन अब तो सार्वजनिक ही है, मंदिर की जगह सार्वजनिक होती है। अच्छा साहब, तो यहाँ पे बैठ के माँ संतरा भी खाते हैं, खाते पीते रहते हैं और ये सही है। और अब किसी को पूजा पत्र करिए यार, मंदिर की मूर्ति वगैरह सब हटा दी है। इसमें पूरा गणेश परिवार, मतलब शिव जी का परिवार रहता है और ये गणेश जी की मूर्ति और उनकी शिव जी की मूर्ति और वगैरह और भी देवी देवता थे इसमें शामिल। अच्छा अच्छा, तो नाम क्या था उनका भैया जिसने हटाया? चिरंजी लाल और उनके बेटे रघुवीर। और गांव में और कई लोगों पे और उनके कहाँ जाते हैं सत्संग वगैरह करते हैं ये। अच्छा जी, ये आपके गांव में जो है हैदरपुर में जो है ये मंदिर बना हुआ है, तो इसकी मूर्ति कहाँ गायब हो गई जो है? क्या नाम है तुम्हारा? महिपाल। मूर्ति कहाँ गायब हो गई इसकी? सर ये तो मुझे आज ही पता चला है कि मूर्ति गायब है यहाँ पे। वैसे तो मूर्ति यहाँ पे थी। अच्छा, मंदिर भी काफ़ी पुराना है। अच्छा, कितना पुराना हुआ? सर मैंने तो वो संभाला जब से मंदिर देखा यहाँ पर। अच्छा, मेरी एज हो गई 25-26 की एज हो गई। अच्छा जी, हाँ मैंने उस संभाला जब से ये मंदिर यहीं पे देखा है। मूर्ति काफी पुराना है, काफी पुराना है, हमसे पहले का ही ये मंदिर। तो सुबह शाम डेली पूजा अर्चना होती थी, होती होगी यहाँ पे जो है। अभी मूर्ति किसने हटाई, क्या नाम उसका जो है? चिरंजी लाल, उनके लड़के का नाम है रघु। अच्छा, क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन कर रखा है, क्या मामला? तो फिर और ग्रामीणों ने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात को लेके? किया कभी किसी ने कि बोला कभी, अब सब लोगों ने इकट्ठे होकर ये किया है तो मतलब आज पता पड़ा है कि यहाँ पे मूर्ति भी गायब कर दी। वैसे तो यहाँ पे मूर्ति थी लेकिन यहाँ से मूर्ति भी गायब होगी मंदिर से। अब वो कहाँ है वो लड़का जो है मूर्ति गायब जिसने की है? जो अभी सर लेके तो गए पुलिस ले गई। हाँ, ये प्रधान जी, ये हैदरपुर गाँव में ये मंदिर बना हुआ था शिव परिवार का, जो इसमें लोगों ने बताया गया माता देवी का भी मंदिर था जो है, सब लोग पूजा अर्चना करते थे, आज इसमें मूर्ति नहीं है, ये क्या कारण रहा जो है? क्या नाम है आपका जो है? मेरा नाम रुतम सिंह है जी। क्या क्या पूरी बात क्या है साहब? अब पूरी बात घर वालों ने पता होगी, हमें क्या पता, मतलब मूर्ति है ही ना जामे। अच्छा, हाँ तो कितना पुराना मंदिर है ये? वो कौन सा 20 साल पहले पुराना, 20 साल का? कुछ लोगों ने तो और बताया 20 साल से भी और पुराना। इसमें मूर्ति नहीं, इसमें मूर्ति नहीं है और ईसाइयों का निशान बना हुआ है, इससे क्या प्रतीत होता है? जाने भैया जी, तो जो मजे जीने के जो जो धर्म बदल बदल ले वही इन्हें पता होगी काम मामला हुआ हमें तो। इनके लड़के ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? हाँ, खेत खराब है जी, मामू जाते हैं मामी चर्च में, आसान के में और कोई मार्के में आसान के जाते हैं, आसान नहीं जाते। तो लड़का जाता है और परिवार के और सब लोग जाते हैं जो है? नहीं, लड़के जाते हैं, पूरा परिवार ही जाता था। इनका पूरा परिवार जाता है वहाँ पे? पूरा परिवार जाता है सर। जब मैं शनिचर को और मंगल को पूजा करता हूँ यहाँ। अच्छा, तो यहाँ ये मछली बना रहे थे और इनके लड़का ने डायरेक्ट कही क्योंकि हमारा मंदिर हम खा रहे हैं यहाँ कुछ करें। अच्छा, हाँ जब से मैंने पूजा करना बंद कर दी, जब शाम को आओ मैं चिराग लगाने यहाँ मुहूर्त लाए। रात में कब देखी थी गाय? पिछले शनिचर को देखी, पिछले शनिवार को मूर्ति नहीं थी इसमें नहीं। और यहाँ पे मीट और ये ऐसी चीज इत्यादि जो है मछली बना रहे हो? तो किसी ग्रामीण में किसी जो है और ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात को लेके? मेरे पापा हर बार काम करते हैं तो मैं बहुत परेशान हूँ। ये आपके गांव हैदरपुर में जो है ये मूर्ति मंदिर को लेकर क्या मैटर था और आपका क्या नाम है, ये कौन था, किसी ने मूर्ति हटाई है? मूर्ति का जिनका गंग मैटर, थोड़ा सा मैटर है, मंदिर सामने बना हुआ है, चलो उन्होंने भैया, आज का पूरे गांव का ही है,
पहली बात है हर पूजा पड़ने में बहुत गलती है, उन्होंने मूर्ति हटाई। नाम क्या उसका, किसने हटाई है ये मूर्ति? लाल का लड़का रघुवीर है ना, रघुवीर रहता कहाँ है? चंडीगढ़ रहता है शायद, चंडीगढ़ रहता है। मैं धरपड़ के चक्कर में करा या दबाव से करा उनके ईसाइयों वालों के से, यही हो सकता है। अब तक यहाँ पे बैठे हुए प्रार्थना भी हुई है ईसाइयों की? ना यहाँ तो नहीं, कुछ हमारे थोड़ी मीट वो लोग खिट्टे आगे अपना वो तो करते थे, क्या करते पूजा अर्चना करते थे ये लोग। ये लड़का कौन था ये, अब कहाँ है वो लड़का? ये शायद अब शासन भी ले गया, उसको प्रशासन ले गया, उसकी गाड़ी में बैठा हुआ ले गए। अच्छा पुलिस ले गई उसको, ठीक है। मैं दुर्गा प्रसाद यादव, प्रबंधक श्रीमती जलधारा देवी महाविद्यालय हटाएं जेडी परूमर हटाएं। सभी क्षेत्रवासी और कस्बावासी प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा को भैया यादव की हार्दिक शुभकामनाएं।